हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज प्रमोशन। तो आज हम समझेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहां पर हमें एक बाइनोमियल तैयार करना है और एक मोनोमियल तैयार करना है। बाइनोमियल में डिग्री 35 होनी चाहिए, मोनोमियल में डिग्री 100 होनी चाहिए। तो फर्स्टली आपको ये एक्सप्रेशन तैयार करने के लिए पता होना चाहिए मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है एंड डिग्री क्या होता है। फर्स्टली मोनोमियल, अ पॉलीनोमियल विद वन टर्म। मोनोमियल होता है एक ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। बाइनोमियल इज अ पॉलीनोमियल विद टू टर्म्स, यानी कि बाइनोमियल एक ऐसा पॉलीनोमियल है जिसमें दो टर्म्स यूज होती हैं। नाउ डिग्री क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स, दैट मींस जो भी हम अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार करेंगे उसमें जो वेरिएबल यूज करेंगे तो सभी टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर एक्स की निकल के आए वो ही उस पॉलीनोमियल की डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल, चलिए शुरू करते हैं, बाइनोमियल तैयार करते हैं। बाइनोमियल दैट मींस टू टर्म्स, ठीक है? तो हम सबसे पहले टू टर्म्स तैयार करना शुरू करते हैं। जस्ट सपोज हमने लिखा x प्लस एक्स, ओके? तो हमें ये लग रहा है कि ये टू टर्म्स हैं, बट इनको अगर हम ऐड कर दें तो ये ट्वाइस ऑफ x बन जाता है। तो अब ये सिंगल टर्म बन गया। तो यानी कि टर्म्स की काउंटिंग अलग अलग हो इसके लिए जरूरी है इनकी पावर्स को अलग अलग होना चाहिए, ओके? दैट मीन्स यहाँ पर x की पावर अगर यहाँ 1 लिखना है तो यहाँ पर x की पावर 1 से कुछ अलग लिखना पड़ेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर हमने लिखा 3। नाउ दिस इज अ पॉलीनोमियल, ओके? एंड दिस इज अ पॉलीनोमियल विद टू टर्म्स, सो दिस इज अ बाइनोमियल। x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 3, दिस इज अ बाइनोमियल। बट अब इसका नाम बाइनोमियल तो तैयार हो गया, बट हमें क्या तैयार करना है? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। इस बाइनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 एंड 3 में से हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इस बाइनोमियल की डिग्री कितनी है? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो इस बाइनोमियल की डिग्री कितनी है? 3। बट हमें कितनी बनानी है? 35, ओके? तो अगर हम इस 3 की जगह पर 35 पुट करें, 35, तो अब ये बाइनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 35, ओके? यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 35, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई? 35। तो इस बाइनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 35। तो इस तरह से हम तैयार करते हैं एक बाइनोमियल। तो बाइनोमियल के अंदर हमने सबसे पहले टू टर्म्स तैयार की, उसके बाद हमें तैयार करना है कि उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। दैट मींस इन दोनों टर्म्स में से किसी एक टर्म की पावर में 35 होना चाहिए और दूसरी टर्म की पावर में 35 से कम होना चाहिए, ओके? तो इस तरह से हमने तैयार किया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। नाउ मोनोमियल हमें तैयार करना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो मोनोमियल यानी कि जिसके पास सिर्फ एक ही टर्म होती है उसका नाम होता है मोनोमियल। तो सिर्फ हमने x लिखा, दिस इज अ पॉलीनोमियल, एक ही टर्म है x, तो ये कैसा पॉलीनोमियल है? इसका नाम हो जाता है मोनोमियल। बट इसकी पावर अभी कितनी है? 1। तो ये एक ऐसा मोनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है? 1। बट हमें क्या तैयार करना है? अ मोनोमियल विद डिग्री 100। तो अगर हम इसकी पावर में 100 लिख दें तो अब ये कैसा मोनोमियल हुआ जिसकी डिग्री कितनी है? 100। दिस इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100।
okay, this is a monomial of degree 100. तो इस तरह से हम binomial बनाना है, तो सबसे पहले terms तैयार करते हैं और फिर हम तैयार करते हैं उसकी degree. और इसी तरह से monomial बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक term तैयार की, उस term में हमने उसकी degree को 100 बनाने के लिए उसकी power को 100 लिखा. तो इस तरह से हमने ये तैयार हुआ monomial and binomial. Thanks for watching the video. Thank you.